कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 9 सूत्र 7 अनुवाद। जब भूत विकारों को अर्थात देह इंद्रिय आदि तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसे उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। व्याख्या। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है। यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि दिखाई देती है। ज्ञान के अभाव में यह सत्य एवं आकर्षक प्रतीत होती है। इसका कारण है हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे हित इससे जुड़े हैं, इसीलिए इसका यही स्वरूप हमें दिखाई देता है। हम उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर देखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं। वह दूसरों को व्यर्थ, इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत आदि के साथ हमारे स्वार्थ एवं वासनाएं, कामनाएं, उपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने दूसरे नहीं, किंतु यह उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह उन पर हमारे मन का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में भेद नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में यह समस्त भूत सृष्टि इंद्रिय देह आदि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। इसे तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही है, यही बंध है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है, वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण।